देश और दुनिया के जाने माने कारोबारी और बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए ये सबसे मुश्किल दौर है। साल 2023 की शुरुआत अडानी ग्रुप के लिए बेहद खराब रही है। दिसंबर 2022 तक दुनिया के टॉप 3 बिजनेसमैन में शुमार अडानी अब टॉप 15 की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। दरअसल अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को 106 पन्नों की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें अडानी समूह से 88 सवालों के जवाब पूछे गए। रिपोर्ट सामने आने के बाद 25 जनवरी से ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर भरभरा कर गिर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी एशिया के सबसे रईस होने का भी खिताब गंवा चुके हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवालों के जवाब पूछे गए हैं। अडानी समूह पर आरोप है कि ग्रुप के लिस्टेड कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवरवैल्यूड हैं। इसके साथ अडानी ग्रुप से संबंधित कंपनियों ने हेराफेरी कर कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर 2,00,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, वहीं अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का भी आरोप है। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ने सिरे से खारिज कर दिया। अडानी ग्रुप की ओर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का 413 पन्नों में जवाब दिया गया और कहा गया कि ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप की छवि को धूमिल करने के लिए तैयार की गई है, जिससे कुछ अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। वहीं अडानी ग्रुप की ओर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर सुनियोजित हमला बताया गया और कहा गया कि आधे अधूरे तथ्यों को मिलाकर रिपोर्ट तैयार की गई। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को बदनाम करने के लिए साजिश रची है और इसके साथ ही अडानी समूह ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग ने आर्थिक फायदे के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट न तो स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष। अमेरिका के शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के लिस्टेड कंपनियों के शेयर धराशायी होते जा रहे हैं, या यूं कहें तो गौतम अडानी इस रिपोर्ट के बाद एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आ गए हैं। गौतम अडानी की दौलत, शोहरत और रैंकिंग में लगातार गिरावट हो रही है। अडानी के सारे शेयर, अडानी एंटरप्राइज जिसका पब्लिक व्यू था 30% पे सर्किट लगा हुआ था, एक भी खरीदार नहीं था, आज भी 20-25% डाउन है। तो वो उस वजह से सेंटिमेंट वीक हुआ। मुझे लगता नहीं कि अब संभल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बात इतनी खुल गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से एक तरफ अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ कंपनियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना कि स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड इतना सीरियस ऑफेंस है। जापान में प्राइम मिनिस्टर हैड टू रिजाइन बिकॉज ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ये बहुत बड़ा ऑफेंस होता है क्योंकि इट अफेक्ट्स द इन्वेस्टर्स वेल्थ, और कोई इनसाइडर अपने आप को बेनिफिट पहुँचाने के लिए दूसरे आम आदमी को या ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को नुकसान पहुँचाता है, बहुत बड़ा इसको क्राइम कहा जाता है। अडानी ग्रुप ने पिछले 5-6 साल में अपने कारोबार में तेजी से विस्तार किया है। अडानी ग्रुप का एयरपोर्ट, कोल माइनिंग, बंदरगाह से लेकर सीमेंट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अब बड़ा दखल हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की साख पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।